नमस्कार। एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर पारुल वड़गामा, जो सूरत की जानी मानी डॉक्टर है, चेस्ट फिजिशियन है और सिविल हॉस्पिटल में वो चेस्ट विभाग में हेड भी है सूरत की। साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में गुजरात की वो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, और IMA की वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी है, और काफ़ी सारी ऐसी संस्था है जिसमें वो कार्यरत है। लेकिन सबसे पहले पारुल जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डी खुशाल भाई ज्वेलर्स की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है और सम्मान भी किया जा रहा है विश्व महिला दिन के अंतर्गत। ये शो है तो विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। जी मैम, थैंक यू सो मच। और आगे बात करते हैं, ये जो शो है उसमें ऐसी महिलाएं हैं जो उनकी कुछ सक्सेस स्टोरी है, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी कुछ मोटिवेशनल स्टोरी है, और ऐसी काफ़ी वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं ऐसी महिलाओं के यहाँ से हम इंटरव्यू लेते हैं, और लाइफ जर्नी के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सूरत में ऐसा काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और पारुल जी की जब बात करने की बात आती है, पारुल एकदम खुशनुमा, जैसे बोल सकते हैं कि हमेशा वो हंसती रहती है, लोगों को भी हंसाती रहती है, ऐसी डॉक्टर पारुल आज हमारे साथ है। और पारुल जी, आपके बारे में पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जो फील्ड है, डॉक्टर की जो लाइन है, जो फील्ड है, उसमें आप कैसे आई और किस तरह से आपके मतलब परिवार, पेरेंट्स के कारण आप यहाँ तक पहुँची है, क्या आपकी जो जर्नी है उसी के बारे में बताइए। जी यामिनी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और एक्जोटिक चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि ऐसा अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया आपने, जो इतनी अच्छी सोच की, जो आत्मनिर्भर महिलाओं को आप यहाँ बुलाकर और जिस तरह से उनका इंटरव्यू और उनकी लाइफ स्टोरी दिखा रही हैं, तो वो सही में कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए एक मोटिवेशन है कि उसको देखकर लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हम भी कुछ लाइफ में कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैं अपने पिताजी और माता जी की, हम दो बहनें ही हैं, हम दो बेटियाँ थीं, और जब छोटे थे तब से हम, मेरे पापा एयरफोर्स में थे, सो आई एम अ डॉटर ऑफ अ डिफेंस पर्सन, और जो कहते हैं ना कि एयरफोर्स में थे पापा, तो जब हम छोटे थे, जैसे मेरा बर्थ हुआ बेंगलोर में, उसके बाद हम चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे सब जगह, काफ़ी अलग अलग जगह घूमे हैं। बेसिकली आई एम गुजराती, बट इतनी सारी जगह घूमे, और उसके बाद पापा, हमने उस डिफेंस लाइफ को देखा, उसमें हम जिए, उसमें एक देश के नागरिक के लिए, जो डिफेंस पर्सन को जो एक मर मिटने की भावना होती है, देश की सेवा करने की भावना होती है, वो उस भावना को हमने बहुत ही क्लोजली अनुभव किया है, यानी नज़दीकी से। कि जैसे मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी TD पे जाते थे, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ड्यूटी, और वो काफ़ी ऐसी बॉर्डर्स पे लगती थी जो बहुत सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, जैसे लेह लद्दाख, ऐसे ऐसे एरियाज़ में लगती थी जहाँ पे कभी भी कुछ भी न्यूसेंस और कुछ भी राइट्स हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसे में मेरा बचपन गया है, और उसके बाद तभी हमने सोचा था, जैसे मेरे पिताजी काफ़ी एजुकेटेड हैं, मम्मी भी एजुकेटेड हैं, बट पूरा फैमिली इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, बट तब भी उन्होंने ये सोचा था कि नहीं, हमारी दोनों डॉटर्स को हमको अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है और एक अच्छे से अच्छी हेल्थ देनी है। तो ये दो चीज़ जो कहते हैं ना, समाज में आज एक नारी के लिए जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या मैं कहूँगी समाज के निर्माण के लिए जो मुख्यतः दो चीज़ें सिर्फ लड़कियों के नहीं लिए नहीं, बट लड़कों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे पूरे समाज के लिए ज़रूरी है, एक तो है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन।
और मुझे खुशी है इस बात की कि आज मैं डॉक्टर भी हूँ, यानी हेल्थ के साथ भी जुड़ी हूँ, और मैं आज एक प्रोफेसर भी हूँ, टीचर भी हूँ, और एजुकेशन के साथ भी जुड़ी हूँ. मैं मेडिकल एजुकेशन के साथ जुड़ी हूँ. मेरे अंडर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और मैं पीजी टीचर भी हूँ. तो समाज को जब ऊपर लाने की बात होती है तो ये बात, दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो हेल्दी होनी चाहिए, उनको एनीमिया नहीं होना चाहिए, उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उनके हेल्थ के बारे में उनको काफ़ी अवेयरनेस होनी चाहिए. उनके गायनेक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको उसके बारे में समझ होनी चाहिए. मान लो ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर जो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, उसके लिए उनको समझ होनी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें हम महिलाओं के लिए एक हेल्थ अवेयरनेस, काफ़ी सारे कैंप्स लगाते हैं. आप तो जानती हैं अपन कितने सारे मेडिकल कैंप्स करते हैं. दूसरी बात जो हम एजुकेशन, तो बचपन से हमारे पेरेंट्स की, मेरे पिताजी का नाम किशोर भाई वडगामा है और मम्मी का नाम पुष्पा बहन, मेरी सिस्टर का नाम कोमल है, वो भी एक डॉक्टर है, वो रेडियोलॉजिस्ट है. तो बचपन से एक डिसाइडेड था कि हम लोग अच्छा एजुकेशन लेंगे, डॉक्टर बनेंगे. वो तो हमने 11th 12th में जाके डिसाइड किया, बट अच्छा एजुकेशन देना जी, बच्चों को, लड़कियों को अपने आत्मनिर्भर बनाना, जिससे आगे जाके कुछ हम समाज के काम आए. अगर हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है, या हमारी लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं है, तो वो किसका करेंगी? अपना ही खुद नहीं कर पाएंगी तो समाज का किस तरह से करेंगी? जी 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 जी. तो इस तरह से पहले से ही एक सोच थी, और काफ़ी स्ट्रगल में हमारे स्टार्टिंग के इयर्स भी निकले हैं. जैसे बच्चे थे, हम जब बचपन में थे तो क्या उस टाइम पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपन जिसको जो करना है वो अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेता है. तो आज जो मैं ये सुनती हूँ कि ये हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, हम कैसे पढ़ें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ. अगर पढ़ने की अपनी डिटर्मिनेशन हो, हमारे कुछ भी काम करने की डिटर्मिनेशन हो, तो काम हम 100% कर सकते हैं. जी बहुत अच्छी आपने बात कही है पारुल जी, की जो आप करना चाहते हैं, अगर आप करने की एक ठान रख लो, एक ध्येय करो, तो आप ज़रूर वो पूरा कर सकते हैं. लेकिन पारुल जी, मैं एक और बात भी पूछना चाहूँगी कि आप एक डॉक्टर, एक तो डॉक्टर की जो लाइफ होती है, मतलब जो उनकी डेली की शेड्यूल्स रहती है, क्योंकि एक डॉक्टर को 24 आवर्स कहा जाए तो अलर्ट रहना पड़ता है, तो परिवार के साथ आप ये मैनेज कैसे करती है? जी, ये परिवार के साथ मैनेज करने वाली बात थोड़ी लेडीज़ के लिए मुश्किल भी होती है. जैसे हमने क्या होता है कि MBBS की पढ़ाई हमारी 5 साल तक चलती है, फिर 6 साल तो हो ही जाते हैं, उसके बाद हमारा मैरिज का टाइम आ जाता है. तो वैसे भी डॉक्टर्स में क्या लेट मैरिजेस होते हैं, उसके बाद मैरिज होने के बाद हमारा ऐसा होता है कि चलो फैमिली एक्सपांड करें अपन, बच्चे भी लेट एज में बच्चे करते हैं तो बच्चों में भी नुकसान हो सकता, बच्चों को भी कुछ नुकसान आ सकता है. तो एक हमारे यहाँ क्या डॉक्टर्स की लाइफ में बहुत कम समय ऐसा होता है जो एक अच्छा फैमिली टाइम होता है. जब हम 17 साल में मेडिकल में एडमिशन लेते हैं तो 23 साल तक तो हम वो MBBS पूरा करते हैं. अब तो क्या एंट्रेंस भी हमारा पीजी नीट हो गया है. तो इंटर्नशिप का समय जो हम पहले थोड़ा फ्री मानते थे, अब वो इंटर्नशिप का समय में हमको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की तैयारी करनी पड़ती है. तो वो समय, उस टाइम पे हम क्या करते थे कि सब मैरिज करके सेट हो जाते थे. अभी तो वो ऐसा हो गया है कि वो भी एक स्ट्रेसफुल टाइम हो गया कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, बच्चों को तो वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, मैरिज और फैमिली पे ध्यान नहीं. उसके बाद क्या हो गया कि अभी उसके एडमिशन के बाद बहुत काम रहता है. फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट के 3 साल होते हैं, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो बहुत ही काम रहता है कि आप चाह के भी अगर मैरिज करो तो भी टाइम नहीं दे सकते, मैरिज नहीं करो तो भी टाइम नहीं दे सकते. तो ये एक बहुत चैलेंजिंग हो गया है आजकल के समय में कि एक लेडीज़ के लिए या एक जेंट्स के लिए जो मेडिकल में पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए अपना फैमिली सेट करना और फैमिली को एक्सपांड करना एक बहुत बड़ा डिसीजन हो गया. और कई बार मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन जो अगर बच्चे प्लान करने की बात करें तो वो भी काफ़ी लेट हो जाता है.
तो हमारा क्या पूरा लेट ही शेड्यूल चलता है। और उसमें भी उसके बाद क्या होता है, अगर अगर हमने MD कर लिया, जो चलो मैरिज कर लिए, फिर एक स्ट्रेस आता है कि भाई हम इतना टाइम दे के पढ़ाई करी है तो हमें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में सेट होना है। पेशेंट्स का भी डिमांड रहता है कि नहीं डॉक्टर्स को हमने ये कहा है तो डॉक्टर्स को आना ही चाहिए, 24 घंटे सर्विस देनी ही चाहिए। तो वही हालत है कि बहुत बुरी हालत है, मैं बताऊंगी कि मैरिज करने के बाद भी, बच्चे होने के बाद या बच्चे होने के पहले भी आप प्रोफेशनल को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही, आपको कहीं ना कहीं यही लगता है कि आप पढ़ाई करें अपनी। अभी जैसे मैं बात करूं, जितने पेशेंट्स हम ड्यूरिंग रेसिडेंसी देखते हैं, पढ़ाई के टाइम देखते हैं, उतने पेशेंट्स भी बाद में अगर आते हैं तो आपको वही अटेंशन से देखना पड़ता है। आप एक भी पेशेंट में ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो उससे दिखवा दिया, उससे दिखवा दिया, उससे दिखवा दिया। नहीं, आपकी स्किल जो डेवलप हुई है वो खुद की अपनी स्किल है और उसी स्किल के हिसाब से आप पेशेंट देखते हो। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल उठ के कुछ नुकसान होता है पेशेंट का तो अल्टीमेटली पेशेंट को बुरा लगता है। तो एक इनर्ट कंपल्शन है कि नहीं हमें तो काम करना ही है। और उसमें साथ में अगर मान लो आप मदर बन गए, आपका बच्चा है, तो उसको टाइम देना, अपने प्रोफेशन को डेवलप करना, घर में सबका ध्यान रखना, सर्वेंट्स होने के बावजूद भी एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप खुद को पेशेंट के पास रखेंगे कि घर के में रखेंगे। जी, जी। तो एक बहुत कहते हैं ना, एक पर्टिकुलर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और घर के लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट चाहिए। जी, जी, जी। अगर हम बात करें कि कोई मेडिकल में है लेडीज और उसका खुद का बिजनेस मीन्स प्रोफेशन है, हॉस्पिटल है, साथ में बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी लेडीज़ को फैमिली सपोर्ट बिना या घर के सपोर्ट के बिना वो चलाना मुश्किल ही है। जी, जी, क्योंकि जी। रात में कॉल आते हैं, 10 बजे कॉल आते हैं, 12 बजे डिलीवरी होती है, सुबह 4 बजे वापस कॉल आ गया, आप क्या कर सकते हो। जी, इसीलिए मैंने आपको ये इस पूछा कि बहुत ही नज़दीक से मैंने आपको देखा है कि जिस तरह की लाइफ जर्नी है और जिस तरह की डॉक्टर की एक जर्नी होती है, वो हमेशा जैसे 24 आवर्स उनको अलर्ट रहना पड़ता है और सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैनेज के साथ अगर कहीं भी इधर उधर हो गई तो बहुत बड़ी मतलब कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये सब का भी ध्यान उनको रखना पड़ता है। और एक महिला जब ऐसी फील्ड में होती है तो उनको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वो अगर आप नहीं कहेंगी तो पता कैसे चलेगा कि आप लोग कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हो। और पारुल जी की बात करें हम तो इतना सब कुछ तो वो करती है, लेकिन साथ में इतनी सारी संस्थाओं के साथ भी वो जुड़ी हुई है। तो पारुल जी, परिवार आपकी जो फील्ड है, आप एक डॉक्टर चेस फिजिशियन है, साथ में सिविल हॉस्पिटल की भी हेड है, तो वहाँ पर भी आपको देखना है, पर इसके साथ आप काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़ी है, तो वो कैसे भी मैनेज करती है और कौन सी संस्था में क्या आप वर्क करती है और किस तरह से काम करती है। जी यामिनी, अगर मैं बात करूं तो मैं पब्लिक लाइफ में पिछले 11 साल से हूं। जब मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर होके दो चीज़ करनी है, एक तो मुझे अपने मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स के लिए कुछ करना है और दूसरा मुझे समाज के लिए भी कुछ करना है। जी। ये दो चीज़ें मैंने पहले से ठान ली थी। तो पिछले 11 साल से तो मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सूरत में एक्टिव थी, लास्ट ईयर मैं प्रेसिडेंट बनी थी, आज मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुजरात चैप्टर की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुजरात के प्रेसिडेंट्स ने भी मेरी काफ़ी कामगिरी की प्रशंसा की। जी। प्लस नेशनल लेवल पे पूरा जो जूनियर डॉक्टर नेटवर्क है, यानी हमारे जितने भी पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी विंग की मैं सेक्रेटरी भी हूँ अभी। और भगवान ने मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जैसे अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो सूरत है उससे मैं 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ, और अभी मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पब्लिक हेल्थ कमेटी की चेयरमैन भी हूँ। और उसके द्वारा भी हमने काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स किए हैं, काफ़ी सारे एजुकेशन सेमिनार्स किए हैं, हमने एक हेल्थ एक्सपो भी प्लान कर रखा है। तो मेडिकल टूरिज्म का 2-3 साल पहले हमने एक बारडोली में कैंप लगाया था कि जो मेडिकल टूरिज्म आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी बात हो गई है और काफ़ी उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है, स्पेशली सूरत में।
जी बिल्कुल सही। तो उसके भी हम काफ़ी सारी मीटिंग्स करेंगे करते हैं। अभी हमने ट्रैफिक पुलिस के लिए पिछले संडे हमने एक मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें पूरे ट्रैफिक ब्रिगेड को हमने हेल्थ स्क्रीनिंग किया था और काफ़ी सारे उनके रिपोर्ट्स भी किए थे। तो इस तरह का काम मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है। इसके अलावा मैं काफ़ी और संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे वनिता विश्राम जो हमारी यहाँ की महिला स्कूल है और कॉलेज है, वो उसको आगे ले जाने के लिए जैसे उसमें हमने एक वनिता विश्राम ने जो वेलनेस सेंटर बनाया है, जिसमें कि वो लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, स्पा सेंटर, टीचिंग सेंटर, एक एजुकेशन सेंटर बनाया है वेलनेस के लिए, प्लस साथ में जिम भी लेकर आएंगे, साथ में डाइटिशियन है। तो उस तरह का जो एकदम ओरिजिनल आयुर्वेदक जो बोलते हैं शिरोधारा, जिसको हम बोलते हैं शिरोधारा, तो वो चीज़ हमने अभी वनिता विश्राम में एक महीना पहले ही चालू करी है। उस विंग का नाम अद्वी है, उस जो पर्टिकुलर वेलनेस सेंटर है उसका नाम अद्वी है। तो उस वेलनेस सेंटर की जवाबदारी, देखने की जवाबदारी मुझे सौंपी गई है। तो मैं यही दर्शक मित्रों को कहना चाहती हूँ कि सूरत में भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने लायक हैं और नेचुरोपैथी आयुर्वेदा की तो सूरत में काफ़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो वो काम करने में मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे एक संतुष्टि भी है कि इस तरह की अच्छी सर्विसेज अगर हम सूरत में ला सके तो सूरती लोगों को काफ़ी डेफिनेटली उसका एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। और बाकी सारी कई संस्था हैं जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, फिजिशियन एसोसिएशन है, कंसल्टेंट एसोसिएशन है हमारा, और हमारा गवर्नमेंट मेडिकल टीचर एसोसिएशन है। तो उस तरह के यूनिवर्सिटी में भी कई कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तो ऐसे ठीक है, मुझे एक संतुष्टि है कि हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड जो मुझे काम करने की लाइफ में इच्छा है, तो वो मैं कहीं ना कहीं, कहीं हेल्थ, कहीं एजुकेशन, कहीं दोनों इस तरह से कर रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना सब कुछ मैनेज करती है। आपको आज अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो ऐसा आज बहुत सारे लोग इतने मोटिवेट हो गए होंगे कि आपको देख के कुछ ना कुछ उनको भी करने की चाह लग जाएगी, ऐसा लग रहा है। और आगे चल के बात करते हैं तो पारुल जी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं और अवार्ड के साथ साथ उन्होंने अभी अभी जो कोविड की सिचुएशन आई है और जो कोविड की महामारी में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, वो भी आज मैं पारुल जी आपको बताना चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह के कोविड में सिचुएशन थी और जिस तरह से आपने घर पे घर नहीं गए और जिस तरह से आपने काम किया है, तो वो भी शेयर कीजिए प्लीज़। जी यामिनी जी, अगर कोविड एरा की बात करूँ तो मेरे लिए भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस कह सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए, समाज में हर व्यक्ति के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि हम डॉक्टर भी हैं, साथ में फैमिली भी है, साथ में उस समय मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सूरत की प्रेसिडेंट भी थी। जी जी। तो एक मेरी अकेले की जवाबदारी नहीं थी, बट मेरे ऊपर 3200 सूरत के आईएमए डॉक्टर्स का भी जवाबदारी थी। डॉक्टर्स के कुछ भी इश्यूज हैं तो हमें उसको अथॉरिटीज तक पहुंचाना, उसका सॉल्यूशन लाना, डॉक्टर्स को कुछ दिक्कत आए तो उसका सॉल्यूशन लाना, एट द सेम टाइम कोविड पेशेंट्स की सर्विसेज हैम्पर नहीं हो और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, उसके लिए सभी डॉक्टर्स से बैठक करनी, और कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के साथ कदम मिलाकर चलना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। और उस समय में कोई भी डिस्प्यूट्स बिना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन के साथ चला, और साथ साथ में उन्होंने अपने डॉक्टर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ऑनररी भेजे, कॉरपोरेशन में भी भेजे, दूसरे सिटीज़ में भी भेजे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आईएमए का पूरा सपोर्ट मिला। जी, उसके साथ साथ मुझे गवर्नमेंट का एप्रिसिएशन, हमारे माननीय सर विजय रूपानी सर का एप्रिसिएशन भी मिला, और मुझे कमिश्नर सर बंछानिधि पानी सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, हमारे डेप्यूटी हेल्थ कमिश्नर आशीष नायक उनका भी अच्छा सपोर्ट मिला, और कलेक्टर सर का भी अच्छा सपोर्ट मिला। जी, जी। मैं मानती हूँ कि सूरत एक ऐसा सिटी है जहाँ पे सच में सब ने साथ में मिलके काम किया है। जी, जी। चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, मेडिकल एसोसिएशन हो, या अलग अलग एनजीओज हो, या सेवाभावी संस्थाएं हो, किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल सही। या पॉलिटिशियंस हो,
मैं तो कहती हूँ कि सबने बहुत ही शांति से एक दूसरे के साथ मिलके काम किया और इसीलिए ही सूरत में इतनी ज़्यादा तकलीफें नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने भी हमारे 1000 बेड की कोविड हॉस्पिटल सरकार ने जो बनाई वो छोटी बात नहीं है जी। काफ़ी सारे सिटीज़ ऐसे हैं दूसरे राज्यों में जहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं भी है। तो कई बार क्या होता है हमारे पास जो चीज़ें होती हैं हम उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। बट मैं दर्शक मित्रों को यही कहना चाहती हूँ कि जो फैसिलिटी सूरत में क्रिएट हुई, चाहे वो कमिश्नर सर की हेल्प से हुई या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की हेल्प से हुई या कलेक्टर सर की मदद से हुई, वो बहुत ही बड़ी चीज़ है जी, जिसकी हमको वैल्यू करनी चाहिए और उनका हमको अप्रिशिएशन भी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, जी, और जी। मेरा एज ए कोविड वो तरीके मेरा एक एज अ चेस्ट फिजिशियन या डॉक्टर तरीका का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है ये बीमारी जो है 2 साल तक चलती है, पैंडेमिक 2 साल तक चलता रहता है, उसमें अप्स डाउन अप डाउन अप डाउन आते रहते हैं। और अभी का भी ऐसा समय है कि अभी हमें थोड़ा वापस केस जो बढ़ रहे हैं उससे संभल जाने की ज़रूरत है और थोड़ा और स्ट्रिक्ट हम रहेंगे अपने साथ, खुद ही हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जी 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 पारुल जी, बहुत बहुत अभिनंदन। जिस तरह से कोविड में आपने काम किया है उसके लिए धन्यवाद आपका और अभिनंदन करती हूँ। और पारुल जी एक और बात भी कहनी है मुझे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बात रही होगी जो एक्सक्लूसिव हो आपके लिए, कुछ मोटिवेट आपको किया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो आपके लाइफ में। मुझे जैसे मैंने बताया आपको कि मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, मैं स्पेशली फेफड़े की डॉक्टर हूँ और काफ़ी टीबी मरीजों के साथ मेरा संकलन रहता है। और ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो सालों से है जी, जिसको हम राजयोग बोलते हैं जी। और मुझे बताते हुए ऐसे खुशी है कि हम सूरत सिविल में हमारा स्पेशली बहुत डिफ़िकल्ट टीबी वाले केसेस को ट्रीट करने वाला स्पेशल नोडल सेंटर है जो साउथ गुजरात के सारे जितने भी डिफ़िकल्ट मरीज हैं टीबी के, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट टीबी केसेस, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए वो सेंटर है जिसकी मैं नोडल ऑफिसर हूँ। और पूरे साउथ गुजरात में से कहीं भी कोई भी एरिया में जो डिफ़िकल्ट टीबी के पेशेंट होते हैं उसको सरकार ने एक स्पेशल बिडाकुलिन नाम की दवाई दी है हमको, हमको यानी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी है। तो साउथ गुजरात में सिर्फ हमको दी है सिविल हॉस्पिटल को, तो हम उन स्पेशल टीबी पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं जी। और मुझे एक बात याद है कि अब 1 साल 1.5 साल पहले की बात है जब ये दवाई नई नई आई थी, आने वाली थी, तब एक मरीज ऐसी थी जो एक लेडीज थी और इतनी यंग फीमेल थी, उसका हस्बैंड भी था, बच्चा नहीं था, फैमिली में से उसको सबने तिरस्कार कर दिया था उस लेडीज़ का। सुनने वाली बात है जी, जी, जी। कि जब हम बातें करते हैं कि नहीं नहीं हमारे हमें तो विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, स्ट्रेंथनिंग की बातें करते हैं जी। लेकिन हमने कई किस्से में देखा है जब टीबी होता है अपनी वाइफ को तो हस्बैंड कई बार वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, ये बहुत बिटर फैक्ट है। और हमने ऐसी लेडीज़ भी देखी हैं कुछ कुछ कि जो अपने हस्बैंड को छोड़ के चले जाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ केस में हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चले जाते हैं। बट हमने ऐसा भी केस देखा 1.5 साल पहले कि जब ये दवाई 2 साल पहले जब ये दवाई नहीं थी तब उसके हस्बैंड ने कहीं से पढ़ाई करी कि मैडम अगर ये दवाई अहमदाबाद में मिलती है तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती, और उस केस का हमने एक स्पेशल रेफरेंस लिख के हमने गांधीनगर लिखा, अहमदाबाद भी लिखा कि सर हमको आप देने वाले हैं ये दवाई 2 महीने बाद, बट हमारा ये पेशेंट है, इस तरह की डिमांड है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि एक लेडीज़ जिसको इस टाइप का डिफ़िकल्ट टीबी था, जिसको एमडीआर टीबी था, उसकी सेवा करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए उस हस्बैंड की जो कमिटमेंट था वो सही में इम्प्रेसिव था कि मैं कहूँगी कि उसको सच में ऐसा था कि नहीं मेरी वाइफ को भले एमडीआर हुआ है मैं उसको बचा के रहूँगा। तो इसको बोलते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल रिस्पेक्ट कि आप अपनी वाइफ हो, अपनी फ्रेंड हो, अपनी कलीग हो, उसको कुछ भी दिक्कत में आप सपोर्ट करो, उसका तिरस्कार नहीं करो, उसको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करो, इसको बोलते हैं रियल विमेन रिस्पेक्ट जी।
तो सही अर्थ में ये है, आप किसी को गिफ्ट दे दो, किसी को दो शब्द अच्छे बोल दो, किसी को कुछ रेस्टोरेंट में ले जाओ, इसको नहीं बोलते वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट इज अबाउट सपोर्टिंग अ फीमेल और एनकरेजिंग अ फीमेल इन अ डिफिकल्ट टाइम. जी. तो ये जो जो कहते हैं ना, इसको हम कई बार हम ये सोचते हैं कि सच में कई लोगों की थिंकिंग वो काफ़ी कम एजुकेटेड होते हैं तो भी बहुत ऊंची होती है. जी. और उस टाइम से मैंने सोचा कि नहीं, सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी वाइफ को, अपनी कलीग्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छा रिस्पेक्ट भी देते हैं. जी 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 जी. बहुत अच्छी बात है पारुल जी. ये आपने जो स्टोरी कही है, सही में हम बात करते हैं वुमन की, और वुमन की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए. और यही बात है कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान. तो पारुल जी के साथ बहुत ही अच्छी उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हमने जाना. और लास्ट में एक लाइन में हमारी वुमन्स के लिए कुछ संदेश दे दीजिए. वुमन्स डे रिगार्डिंग ये हमारा शो है. मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे. जी. जिस दिन हम जो सोचते हैं कि आज हमको ये करना है जी, तो हमें करना ही चाहिए. और उसके लिए जो भी दिक्कत आती है वो सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है, बशर्ते कि हम ये सोचें कि हम ये कर पाएंगे. जी. सो एवरी डे इज़ अ वुमेन्स डे. हर दिन अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें ये करना है, इस महीने में हमें ये करना है, इस दिन पे हमें ये करना है, और हमें लाइफ में क्या करना है. जी. और साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. जी. क्योंकि हेल्थ होगी तो आपका एम्पावरमेंट होगा. आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं होगी तो आपका एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा. जी. धन्यवाद जी. पारुल जी की तरह स्पिरिट रखेंगे तो सब कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ जो चाहे वो भी आप कर सकते हैं. तो पारुल जी के साथ हमारी ये सफ़र हम पारुल जी यहाँ पे ख़त्म करते हैं. और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जान के बहुत ही खुशी हुई. और फिर से आपको वुमेंस डे की शुभकामनाएं. एंड हमारा शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ. तो पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद जी. ऐसे ही आई एम वेरी हैप्पी. जी. बहुत खुश हूँ मैं. जी. मिलते रहेंगे ऐसे ही हम दूसरे कार्यक्रमों में, और ऐसी आत्मनिर्भर नारी के साथ फिर से मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. धन्यवाद.